हेलो नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में एंड आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में कि ओवेरियन सिस्ट कैसे बनती है। आपको मालूम होना चाहिए कि ओवेरियन सिस्ट से एग्जैक्टली मेरा क्या मतलब होता है, कि कैसे आपकी अंडाशय में गांठें बन जाती हैं। तो आइए बात करते हैं कि ओवेरियन सिस्ट अंडाशय क्या होता है। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चेदानी की साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड दो अंडाशय होते हैं। उन अंडाशयों को इंग्लिश में बोला जाता है ओवरीज। अब ये जो ओवरीज होती है, ये ओवरीज से हर महीने जब आपके पीरियड्स होते हैं, हर महीने एक तरफ की ओवरी से एक अंडा निकलता है जिसको एग बोलते हैं। वो अंडा किसी भी ओवरी से निकल सकता है, ये बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है कि एक महीने अगर आपको पीरियड्स हुए तो लेफ्ट ओवरी से अंडा निकलेगा या फिर नेक्स्ट मंथ आपको राइट से निकलेगा। ये आपकी किसी भी ओवरी से आपका जो अंडा होता है वो रिलीज हो सकता है। तो अब जब एग आपकी ओवरी से रिलीज हो रहा है, मतलब अंडा जब आपकी ओवरी से निकल रहा है बाहर, तो उस प्रोसेस में जब कुछ सिस्ट बन जाती है, अब ये जो सिस्ट का फॉर्मेशन होगा यही इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जब ओवरी से अंडा बाहर निकल रहा है तो जो ओवरी के अंदर कुछ फ्लूइड बच जाता है, उस फ्लूइड को बोला जाता है फॉलिकुलर फ्लूइड। अब जब वो फॉलिकुलर फ्लूइड बच गया है, वो बाहर आ जाता है ओवरी से और वो श्रिंक हो जाता है। अब जब ये फॉलिकुलर जो फ्लूइड है ये श्रिंक हो गया और एक गांठ वहाँ पर बन गई है, इसी को बोला जाता है फॉलिकुलर सिस्ट या फिर फंक्शनल सिस्ट। ये एक तरीके की ओवरी की सिस्ट होती है जो कि आपके अंडे के रिलीज होने के बाद बनती है। जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो इसको बोलते हैं पानी की गांठ आपकी ओवरी में बनी हुई है। यही होती है कि ओवरी सिस्ट आपकी बन चुकी है। अब ये जो ओवरी सिस्ट है ये कितनी भी छोटी हो सकती है और मैक्सिमम बड़ी भी हो सकती है। अब ये जो ओवरी की सिस्ट है, अगर इसका साइज 7 सेंटीमीटर तक हो जाता है तो 7 सेंटीमीटर तक इजीली ये खुद पर डाइल्यूट हो जाती है, मतलब ये खुद पर ठीक हो सकती है। बट अगर आपकी ओवरी की सिस्ट 7 सेंटीमीटर से बड़ी हो रही है तो उस टाइम पे आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, और उससे भी पहले आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। बट कुछ केसेस में देखा गया है जो सिस्ट होती है लाइफस्टाइल मैनेज करने पर, डाइट मैनेज करने पर खुद से ठीक हो जाती है। बट अगर आपकी ओवरी की सिस्ट, जिसको फॉलिकुलर सिस्ट या फिर फंक्शनल सिस्ट बोलते हैं, अगर ये ठीक नहीं हो रही है तब आपको ट्रीटमेंट लेना है और अपनी ओवरी की सिस्ट को ठीक करना है। अब जो सेकेंड टाइप की सिस्ट होती है वो होती है कॉर्पस ल्यूटियम की सिस्ट। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम की सिस्ट कैसे बनती है और ये कॉर्पस ल्यूटियम की सिस्ट का नाम क्या होता है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम की सिस्ट होती है ये होती है हेमरेजिक सिस्ट, मतलब खून की गांठ अगर आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी में आ रही है तो समझ जाइए ये आपकी कॉर्पस ल्यूटियम की सिस्ट से बनी है। अब मैं आपको बताने जाने वाली हूँ कि हेमरेजिक गांठ, मतलब हेमरेजिक सिस्ट कैसे आपकी ओवरी में बनती है। जब आपकी ओवरी से एग रिलीज हो जाता है और फॉलिकुलर जो फ्लूइड है वो भी रिलीज हो गया, अब उसके अंदर बचता है कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये येलो कलर का होता है, इसका ये जो येलो कलर है ये ल्यूटियम पिगमेंट की वजह से उसका होता है। अब अगर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसमें कुछ वेसल्स रप्चर हो जाए तो इसमें बन जाती है हेमरेजिक सिस्ट। ये हेमरेजिक सिस्ट अगर किसी भी फीमेल को हो जाती है तो उसके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, और उसको जब उसका ओव्यूलेशन हो रहा होता है, मतलब महीने के 14th डे से 16th डे में जब उसका ओव्यूलेशन हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तब उसको वहाँ पर पेन भी होता है एब्डोमेन में। ये हेमरेजिक सिस्ट काफ़ी हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, एक फीमेल के लिए। तो हेमरेजिक सिस्ट का तुरंत आप ट्रीटमेंट लेगी तब ये ठीक हो पाएगी। तो हेमरेजिक सिस्ट और जो फॉलिकुलर सिस्ट, जिसको पानी वाली गांठ बोलते हैं, ये अल्ट्रासोनोग्राफी में बिल्कुल अलग अलग दिखती है। पानी वाली गांठ अल्ट्रासोनोग्राफी में अलग दिखेगी और हेमरेजिक सिस्ट अलग दिखेगी। इनका ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होता है। तो अपनी सिस्ट का टाइप जानिए कि आपको पानी वाली गांठ हुई है या फिर हेमरेजिक सिस्ट जो कि खून की गांठ हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू।